गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक शिथिल से पद्य खंड से कवि का नंबर 8 है कन्यादान। इस कविता को हम पढ़ चुके हैं, तो हमने इसको समझ लिया था। आज हम करेंगे इनके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। जब हमने कविता को समझा था हमने पढ़ा था कि जो आखिरी पद्यांश था तो उसमें माता जो माँ अपने बेटे को समझाती हुई कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसे कभी दिखाई होते, तो ऐसा क्यों कहा है माँ? माँ के इन शब्दों में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। नारी में कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहन शक्ति, माधुर्य, ममता आदि गुण होते हैं। ये गुण ही परिवार को बनाने में आवश्यक होते हैं, इसलिए माँ ने कहा है कि उसका लड़की होना आवश्यक है। उसमें आज की सामाजिक स्थितियों का सामना करने का साहस होना चाहिए। उसमें सहजता, सजगता और सचेतता के गुण होने चाहिए। उसे दब्बू और प्रकोप नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे लड़की जैसी दिखाई नहीं देना चाहिए ताकि कोई सरलता से उसे डरा धमका न सके। यहाँ पर माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा है, यानी माँ की जो लाक्षणिक गुणों को बताया है यहाँ पर, क्योंकि नारी में कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहनशीलता, माधुर्य, ये सारे गुण होते हैं और यही गुण होते हैं जो परिवार को बनाने में जरूरी होते हैं। माँ ने कहा है कि लड़की होना जरूरी है। उसमें आज की जो समाज में स्थितियां हैं लड़की के लिए, उनको साहस करने का यानी उनका सामना करने का साहस होना चाहिए। उसमें सहजता, सजगता और जो समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उनके प्रति सचेतता का अवगत होना जरूरी है। उसे डरपोक और दब्बू नहीं बनना है ताकि कोई भी उसे लड़की समझकर कोई भी उसे डर धमका ना सके। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? नंबर 1, देखिए कवि ने इन पंक्तियों में समाज में विवाहिता स्त्री की स्थिति की ओर संकेत किया है। वर्तमान समय में हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा की आग बहुओं को बहुत तेजी से जला रही है। लोग दहेज के नाम पर पुत्र वधु के पिता के घर को खाली करके भी चैन नहीं पाते। वे खुले मुंह से धन मांगते हैं और धन न मिलने पर बहू से बुरा व्यवहार करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और अनेक बार लोभ में आकर उसे आग में धकेल देते हैं। कवि ने समाज में नारी की इसी स्थिति की ओर संकेत किया है जो निश्चित रूप से अति दुखदायी और शोचनीय है। नंबर 2, कहाँ देखिए, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी अन्य बहुओं की तरह किसी की आग में अपना जीवन न खो दे। उसे किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं बनना चाहिए, उसे कष्ट देने वालों के सामने उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। कोमलता नारी का शाश्वत गुण है, पर आज की परिस्थितियों में उसे कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में उसका सामना कर सके। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, अपने माता पिता के संस्कारों में बंधी भोली भाली लड़की उसी रास्ते पर चलना चाहती है जो उसे बचपन से लेकर युवावस्था तक दिखाया गया है। उसने माता पिता की छत्र छाया में रहते हुए जीवन के दुखों का जो सामना नहीं किया, वह नहीं जानती कि आज का समाज कितना बदल गया है। उसे दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ाओं का कोई एहसास नहीं है। वह तो अज्ञान और अपनी छोटे से
धुंधले प्रकाश में जीवन की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका है। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, अथवा कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? उत्तर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि वह अपने जीवन के सारे सुख दुख उसी के साथ बांटती थी। वही उसके सबसे निकट थी, वही उसकी साथी थी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी कि वह केवल सुंदरता पर न रिझे बल्कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। जिस पानी में झांकने पर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, उसकी गहराई को भी वह भली भांति जान ले, कहीं वही उसके लिए जानलेवा सिद्ध न हो जाए। वह उस आग की तपन का भी ध्यान रखे जो रोटी पकाने के काम आती है, कहीं ऐसा न हो कि वही उसको जला डाले। उसे लड़की लगना चाहिए पर लड़की जैसा कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए, उसे दुनिया की पूरी समझ होनी चाहिए। ये थे हमारे प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के हैं 1 से लेकर 5 तक। आपने अपनी फेयर कॉपी पर इनको लिखना है और याद करना है।